हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास कुकिंग डायरी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्विक इंस्टेंट ब्रेड पिज्ज़ा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये हम बिना ओवन के बनाएंगे। एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ के साथ और एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिना चीज़ के साथ भी आप ये पिज़्ज़ा कितना टेस्टी बना सकते हैं। एक मैं आपके साथ व्हाइट सॉस की रेसिपी शेयर करूँगी और एक हम एक घर पर ही तैयार करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारे रेसिपीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे वाइट सॉस। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े चम्मच यहाँ पर लिया मैंने बटर। बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पर लो से मीडियम पर ही रखेंगे। और अब हम डाल देंगे यहाँ पर एक बड़े चम्मच के करीब मैदा। बटर जब मेल्ट हो जाए तब आप मैदा डाल दें और यहाँ पर बटर और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई पर मत रखिएगा वरना बटर जो है वो जल जाएगा, इसलिए लो से मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे मिक्स कर लें अच्छे से बटर और मैदा को। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर यहाँ पर हम दूध डालेंगे। एक ही साथ में बहुत सारा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है क्योंकि दूध जो है ये सोख होने लगता है। तो जब तक ये जो मैदा और बटर का जो मिक्सचर है ये दूध को सोख ना करने लगे, इस तरीके से लिक्विड ही रहने लगे, तब तक हमें इसमें दूध डालना है। और देखिए इस स्टेज पर ये जो हमारा सॉस है ये लिक्विड ही है और अभी इससे ज़्यादा सोख नहीं हो रहा है। तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे एक छोटे चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। फ्लेम को हमने लो से मीडियम पर ही रखा और इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे आप थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में ही रखें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगती है। तो ये देखिए हमारी वाइट सॉस, इसकी कंसिस्टेंसी ये एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारा वाइट सॉस बन के रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हम बनाएंगे क्विक पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैंने चार बड़े चम्मच लिया है टमाटो केचप। इसमें हम मिक्स करेंगे सेजवान सॉस। यहाँ पर मैं दो बड़े चम्मच ले रही हूँ, आप चाहे तो सेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, ये दोनों मैं एक एक छोटे चम्मच के करीब डाल रही हूँ। और आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च का पेस्ट, जो आता है रेड चिली पेस्ट, वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा क्विक इंस्टेंटली ये पिज़्ज़ा सॉस घर पर तैयार है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बस ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। इसे हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर हम अपने ब्रेड पिज़्ज़ा को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड लिया है, यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक अच्छी सी इवन लेयर लगाएंगे हमारे अभी अभी बनाया हुआ पिज़्ज़ा सॉस की। इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा वाइट सॉस जो हमने बनाया अभी। देखिए ये ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो गया सॉस। और अब हम इसके ऊपर हमारे कुछ वेजिटेबल्स, आप अपने पसंद के टॉपिंग्स यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, अनियन और टमाटो यूज़ किया है। आप अपने पसंद का कोई और टॉपिंग्स जो आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगैनो। और ये हमारा बिना चीज़ का ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। इसे अब हम बस बेक कर लेते हैं तवे पर। तो यहाँ पर हमारा जो तवा है इसमें हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा को इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर ही कवर कर देंगे और इसे हम बेक होने देंगे। आप इसे लो फ्लेम पर ही बेक होने दें। लो फ्लेम पर बेक होने से एक तो फ़ायदा है जो हमारी ब्रेड की जो क्रस्ट हमने बनाई है वो अच्छे से धीरे धीरे बेक होते हुए सिकते हुए एकदम क्रिस्पी बन जाएगी और जो हमारे वेजिटेबल्स से ऊपर जो हमने टॉपिंग्स में यूज़ किए वो भी अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए जो हमने चीज़ के लिए वाइट सॉस लगाया था वो भी कितने अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर। तो लो फ्लेम पर पकाने से ये हमारा पिज़्ज़ा और भी अच्छे से पकता है। आप हाई फ्लेम पर ना पकाएं वरना नीचे का जो ब्रेड है वो जल जाएगा। तो ये देखिए हमारा बिना चीज़ का ये पिज़्ज़ा बन करके तैयार है, कितना टेस्टी दिख रहा है। कोई बोलेगा कि इसमें हमने चीज़ का यूज़ नहीं किया है, तो आप भी घर पर बनाएं ये। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल भी कम नहीं है ये चीज़ वाले पिज़्ज़ा से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पिज़्ज़ा की ओर। तो यहाँ पर
आपके पास अगर चीज़ है तो आप ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने एक ब्रेड लिया है, उसके पहले मैंने सारे एजेस को इस तरीके से निकाल लिया है और इसे हम इस तरीके से बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे और इसे थोड़ा चपटा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दो और दूसरे ब्रेड लिए हैं, उसको हम लो फ्लेम पर ही इसे हल्का सा सेक लेंगे, हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा टोस्ट नहीं, कलर भी हमें इसमें नहीं लाना, बस हल्का हम टोस्ट कर लेंगे, एक या दो मिनट ही लगेंगे और इसे हम हल्का सा ही टोस्ट करेंगे। यहाँ पर जिस साइड टोस्ट किया हुआ साइड है उसे हम ऊपर रखेंगे, तो ऊपर वाली साइड जहाँ अभी हमने टोस्ट की वो है, उसके ऊपर हम अभी हमारा बनाया हुआ व्हाइट सॉस लगा देंगे। अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड है तो आप चीज़ स्प्रेड लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना बनाया हुआ लगा रही हूँ व्हाइट सॉस, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और हम इसके ऊपर जो भी हमने ब्रेड की स्लाइस को बेला था वो वाली स्लाइस यहाँ पर रख देंगे। तो इस स्टाइल से अगर आप बनाएंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो एकदम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनेगा। तो इसे अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और अब हम इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा देंगे हमारा अभी अभी बनाया हुआ पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से इसकी एक लेयर लगाएंगे और अब मैं यहाँ पर ऊपर से डाल दूँगी ये ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके ले रही हूँ, आपको अगर डाइस्ड मिलती है या फिर अगर क्यूब्स में मिलती है आप भी उस तरीके से इसे ग्रेट कर ले। और अच्छे से एक अच्छी लेयर लगाएंगे हम, मोटी लेयर लगाएंगे चीज़ की। और इसके ऊपर अब आप अपने पसंद के टॉपिंग्स लगा दें। यहाँ पर मैं कैप्सिकम, टमेटो और अनियन यूज़ करने वाली हूँ, आप अपने पसंद के हैलोपिनोज, ऑलिव्स, कॉर्न या मशरूम, जो भी आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ओरिगैनो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा टेस्टी क्विक चीज़ बर्स्ट ब्रेड पिज़्ज़ा बन करके तैयार है। जितने देर में आप बाहर से ऑर्डर करेंगे उतने देर में तो ये आपके घर पर ही ये पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बस 5 मिनट लगेंगे इसे तवे पर बेक होने के लिए और बस ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पैन पर फिर से थोड़ा सा बटर लिया है, उसे अच्छे से फैला लेंगे और यहाँ पर हमारा ये पिज़्ज़ा रख देंगे और इसे हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर ही आप इसे बेक होने दें। ध्यान रखिए फ्लेम हाई बिल्कुल भी ना करें वरना नीचे से जो ब्रेड है वो जल जाएगी। और लो फ्लेम पर पकाने से एक तो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और नीचे का जो ब्रेड का क्रस्ट हमने बनाया वो भी एकदम क्रिस्पी हो जाएगा और वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक जाएंगे, इसलिए आप लो फ्लेम पर ही इसे पकाएं। और यहाँ पर देखिए जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है अभी उठा करके खा जाए। तो आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। एक बार आप अगर ये बना लेंगे तो बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना ही भूल जाएंगे। तो इस न्यू ईयर पर आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, अपने बच्चों को ये बना करके दे सकते हैं। इसे देखिए कट करते हुए आपको पता चल रहा होगा कि बाहर की जो क्रस्ट है कितनी क्रिस्पी और अंदर का जो सॉफ्ट है चीज़ वाला एरिया, ये देखिए एकदम बाहर वाले पिज़्ज़ा से कोई भी मामले में ये कम नहीं है, एकदम टेस्टी सॉफ्ट क्रिस्पी ये हमारा पिज़्ज़ा बना है। तो ये हमारा चीज़ के साथ पिज़्ज़ा तैयार है। आपके पास अगर चीज़ है तो आप चीज़ वाला पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप बिना चीज़ वाला पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखाए, आप जो भी रेसिपी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं और आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और भी ऐसे ईजी और बिगिनर फ्रेंडली रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल हेमास कुकिंग डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।